हेलो फ्रेंड्स, तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस इन पाइथन। अभी तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, देन उसके बाद हमने लूप के बारे में समझा कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर वर्किंग ऑन फंक्शन इन पाइथन, की फंक्शन किस तरीके से यूज़ करे जा सकते हैं पाइथन के अंदर। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ फंक्शन। सो अब हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो सिंपल है कि कोई एक रिपीटेटिव टास्क है, कोई एक हमने लाइन ऑफ कोड लिखा, उस लाइन ऑफ कोड का हमें मल्टी टाइम यूज़ करना, तो हर बार हमें वो लिखना होगा। जस्ट लाइक हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिंट जो है, एक फंक्शन, हम इमेजिन करते हैं कि प्रिंट एक जनरली फंक्शन है। यदि फंक्शन नहीं होता तो प्रिंट फंक्शन के लिए, इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि 400 लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो आउटपुट शो करने के लिए हमें हमेशा 400 लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व हो सकती है कि हम उसे मल्टी टाइम, क्योंकि हमें प्रिंट हर बार यूज करना है, आउटपुट शो करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, राइट? तो जो भी रिपीटेटिव कोड होते हैं उन कोड्स को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल समझे, तो फंक्शंस आर अ हैंडी मेथड टू ब्रेक डाउन अवर कोड इनटू यूजफुल चंक्स, राइट? तो मल्टीपल कोड ब्लॉक में फंक्शन हमारे कोड को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, अलाउइंग अस टू ऑर्गेनाइज इट। हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेक इट मोर रीडेबल, अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार प्रिंट फंक्शन के लिए 400 लाइन ऑफ कोड लिखना होता, उससे बेटर क्या है कि हमें एक प्रिंट फंक्शन मिल गया। फंक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग इंटरफेसेस, मल्टीपल इंटरफेसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक लॉगिन नाम का फंक्शन बना लिया, तो अब एक डिपार्टमेंट के अंदर हम जब कोड कर रहे हो, तो जैसे हम समझे कि हमें कोड करना है, तो हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मल्टीपल टीम और मल्टीपल डेवलपर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो यदि हमने कहा कि हर किसी को एक लॉगिन कराने की जरूरत है, यूजर से सबसे पहले हम लॉगिन कराना चाहते हैं, तो लॉगिन का कोड यदि हर कोई लिखेगा तो हर किसी को सेम प्रोसेस बार बार फॉलो करनी होगी, राइट? तो हम क्या करते हैं, लॉगिन नाम का फंक्शन बनाते हैं और सभी के बीच में सर्कुलेट कर देते हैं, राइट? तो विच अलाउज प्रोग्रामर्स टू शेयर देयर कोड। तो अब एक लॉगिन नाम का फंक्शन बना है, उस अब हर किसी को हमने कह दिया, हर एक डेवलपर को, कि यू आर यूजिंग, यू कैन यूज फंक्शन लॉगिन, राइट? तो लॉगिन नाम के फंक्शन को आप पैरेलली यूज करते जाइए, उसके अंदर एक कोड बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर। दो तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि यूजर क्रिएट करता है, एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बने होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है जो कि पाइथन खुद इंटरप्रेट करता है इंटरनल प्रोसेस के लिए। जस्ट लाइक हमें एक प्रिंट फंक्शन मिलता है किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, राइट? हमने लूप में देखा इटरेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इटर फंक्शन का यूज करते हैं, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लाइन फंक्शन का यूज करते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो पाइथन में कुछ इतने फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, राइट? तो दीज ऑल आर बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। अब बात करते हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे करा जा सकता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं टू क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। तो किस तरीके से, क्या सिंटेक्स हो सकता है फंक्शन क्रिएट करने का, तो विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड वी कैन क्रिएट फंक्शन। डेफ के बाद आता है फंक्शन का नेम, जो भी हम फंक्शन का नेम देना चाहें, ओके। पैरेंथेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट्स, कॉलन फॉर फंक्शन ब्लॉक, और यहाँ पर आता है फंक्शन की बॉडी, जितने भी स्टेटमेंट्स हमें देने हैं, जो भी एग्जीक्यूशन हमें करना है फंक्शन के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पर हमें मिलते जाएगा, राइट? ओके, तो इस तरीके से हमने देखा फंक्शन को क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, फंक्शन को असाइन किस तरीके से कर सकते हैं, बट फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल है, वाया फंक्शन नेम। एफ विल बी स्मॉल लेटर में होगा, क्लास का नेम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो जब हम क्लास पढ़ेंगे तब समझेंगे। खैर, तो फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका होता है वाया फंक्शन नेम, हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट? तो बहुत आसान है पाइथन में फंक्शन क्रिएट करना और फंक्शन को कॉल करना।
अब ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम फंक्शन को मल्टीपल तरीके से कॉल कर सकते हैं. तो पाइथन हमें फोर टाइप्स प्रोवाइड करता है किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए. सो यू कैन कॉल अ फंक्शन बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. एक होता है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ शो के नाम से. हमने एक फंक्शन क्रिएट करा पैरेंथेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट्स. इस फंक्शन में हम सिर्फ अभी प्रिंट कराते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट. हमने प्रोग्राम को सेव करा और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता है, राइट. कुछ भी आउटपुट नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट कर फंक्शन को कॉल नहीं किया. ऑब्वियसली हमें फंक्शन को क्या करने की जरूरत है, फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है. तो वाया फंक्शन नेम वी कैन कॉल इट. अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है, हेलो वर्ल्ड, राइट. तो इस तरीके से एक फंक्शन क्रिएट कर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. अब समझते हैं किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं फंक्शंस के अंदर. तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो आई थिंक हम इधर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ के थ्रू. हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं कैलकुलेट. इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए हमने बेस सैलरी बोनस, दो चीजें हमें चाहिए. हम कहते हैं टोटल सैलरी जो आपकी बनती है किसी भी एम्प्लॉय की, वो बोनस प्लस बेस प्लस बोनस सैलरी को मिलाकर उसकी टोटल सैलरी मिल जाती है. तो हम उसे आउटपुट शो कर देते हैं, योर टोटल सैलरी विल बी टोटल. और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. यदि आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिए. फॉर्मेट स्ट्रिंग हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमने देखा हुआ है, राइट. तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट. प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमें एक एरर दे देगा. क्या एरर आती है? टाइप एरर, कैलकुलेट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट बेस एंड बोनस, राइट. तो पाइथन बहुत अच्छी है, ये लाइन बाय लाइन हमें एरर प्रोवाइड कर देती है. तो 104 नंबर ऑफ लाइन पर एरर है. ऑब्वियसली जब हमने फंक्शन को कॉल किया तब हमने फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं दी, और वो दो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बेस एंड बोनस. तो ऑब्वियसली जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू देनी है. तो हमने कहा यहाँ पर हमने बेस सैलरी दे दी और कॉमा दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है बोनस. हमने कहा 2000 बोनस हो गया. अब यदि हम फंक्शन को फिर से कॉल करें या मतलब प्रोग्राम को हम रन करें तो प्रोग्राम को रन करने पर आता है योर टोटल सैलरी विल बी 12000. 12000 हाउ? 10000 इज बेस सैलरी एंड 2000 इज बोनस सैलरी, राइट. तो दिस इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट. रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब जितने आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स हमें उनके वैल्यूज देनी होगी. तो दिस इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट. इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं इसको वैल्यू दे दूं बोनस की. और चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इसको यदि मैं बेस दे दिया तो क्या ये रन होगा? ऑब्वियसली रन होता है, इट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो हमने कहा फंक्शन को कॉल करने के तरीके हैं, एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, आप विथ सीक्वेंस वैल्यू देते जाइए. तो हमने सबसे पहले 10000 दी तो ये किसको असाइन हो जाती है, बेस को. फिर हमने 2000 दी तो ये चली जाती है बोनस के पास. बट अब क्या होता है ना कि हम विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड हम वैल्यू पास करना चाहते हैं. तो यहाँ पर 10000 जो दिया हमने वो बोनस को पास कर दिया. तो हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया, आर्ग्यूमेंट्स का नेम हम यदि यूज कर रहे हैं वैल्यू देने के लिए तो इट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. सेम हमने ये जो वैल्यू दे दी ये बोनस को दे दी. अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर देखना चाहे क्या हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल रही है, तो हम कहते हैं यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी आती है, तो कॉमा यहाँ पर बेस की वैल्यू आ जाती है. सेम ये बोनस वैल्यू आ जाती है तो हमें एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा. तो बेस वैल्यू क्या है 2000 एंड बोनस वैल्यू इज 10000.
राइट तो यदि अब हम इसको चेंज कर दें, हम इसको करते हैं, ये हो गया 20 एंड दिस इज बोनस। नाउ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप बेस सैलरी होगी, बेस वैल्यू होगी 10,000 एंड बोनस वैल्यू होगी 2,000, राइट। तो दिस इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड के भी आप में हम किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को पास कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद समझते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या, जैसे कि अब कैलकुलेट सैलरी करना है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ORG इक्वल्स टू, इसमें हम डिफॉल्ट में एक वैल्यू दे देते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ABC कंपनी, ABD कंपनी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, ABD, तो हम यहाँ पर कहते हैं वेलकम इन ORG, योर टोटल सैलरी विल बी, जो भी टोटल आता है वो हो जाएगी, राइट। तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू किसी आर्गुमेंट की पास कर रखी है, तो हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो दिस टाइम इट विल नॉट जनरेटिंग एनी एरर, यहाँ पर आएगा वेलकम इन ABD एंड योर टोटल सैलरी विल बी 12,000, राइट। तो हमें फंक्शन को, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑब्वियसली योर टोटल सैलरी विल बी 12,000। अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें तो चलिए हम इसको कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। हम चेंज करना चाहते हैं वैल्यू, हम बेस वैल्यू देते हैं 12,000, बोनस देते हैं जी बोनस देते हैं 2,000, 2,000 ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1,250 कॉमा, हम एक वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे, कि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल सब ऑर्गेनाइजेशन थे, तो दिस इज ABD दिल्ली, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, ABD दिल्ली, राइट। अब यदि हम इस प्रोग्राम को रन करें तो क्या आता है, वेलकम इन ABD दिल्ली, योर टोटल सैलरी विल बी 13,250, राइट। सो दिस इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, बट वी कैन चेंज इट इफ यू वॉन्ट टू चेंज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू, यू कैन चेंज इट। जैसे कि हमने सॉर्ट फंक्शन के अंदर देखा था, सॉर्ट मेथड के अंदर देखा था, जब हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो हमने यदि कहा li.sort, तो यहाँ पर हमें एक रिवर्स आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू मिलती थी ट्रू, यदि हम इसे कर दें फॉल्स तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स हो जाती थी लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर पहले से रिवर्स आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या सेट है, ट्रू सेट होती है। तो ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जब आप किसी फंक्शन या मेथड क्रिएट करते समय उसमें किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को पहले से कुछ देकर रखना चाहते हैं, राइट। तो आप उसकी वैल्यू को सेट करके रख देते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, यदि नहीं भी देंगे तो भी कोई एरर नहीं आता है, यदि हम दे दे तो हम उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं जनरली ना, तो हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी एज सिक्वेंसिंग स्टार्ट होती है, जीरो इंडेक्स की वैल्यू 12,000, बोनस की वैल्यू 1,250 एंड जो ऑब्वियसली थर्ड एंड लास्ट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर पास हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होता है, कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर कैसे होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर कैसे कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नेम हम कीवर्ड में पास कर सकते हैं, देन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यदि हमने किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को डिफॉल्ट में सेट कर रखा हो। अब अभी तक ऐसा है कि जितने आर्ग्यूमेंट्स हमने दे दिए उतने आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हम पास कर सकते हैं, बट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन, हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं शो नेम के नाम से, और हम चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेना, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो एक भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें यूज करी जाती है, फर्स्ट वन इज एस्ट्रिक ARGS, इफ वी वॉन्ट टू टेक मल्टीपल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो सकती है, राइट। उसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक ARGS, एक होता है KWARGS, जब हमें की वैल्यू पेयर में वैल्यू लेनी होती है, राइट। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू जो ले रहे हैं उसकी एक की भी डिफाइन हम करना चाहते हैं, तब हम डबल एस्ट्रिक KWARGS का यूज करेंगे।
जब हमें मल्टीपल वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो सकती है, लिस्ट हो सकती है या टपल हो सकती है, उसके लिए हम एस्ट्रिक एआरजीएस का यूज करेंगे, राइट। अब एआरजीएस इज अ कन्वेंशन, राइट, ये कोई रूल नहीं है, बट हाँ एस्ट्रिक इज रूल, एस्ट्रिक आपको लगाना है। एआरजीएस वी कैन चेंज इट, इट इज जनरली अ वेरिएबल नेम, जस्ट लाइक यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट में टपल क्रिएट करता है, यहाँ पर kwrgs आपको डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, राइट। तो हम उस वेरिएबल के नेम को चेंज कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट पैरामीटर हमें पास करना होता है सबसे पहले, तो हमने कहा एक डिफॉल्ट पैरामीटर हमने ए पास किया, इसके बाद एस्ट्रिक एआरजीएस हम यूज करते हैं। चलिए अभी सिंपली हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू को, और यहां पर हम प्रिंट कराकर देखते हैं एआरजीएस की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें उस वेरिएबल का नेम पास करना है। जब हम शो नेम नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीपल नेम देते हैं, जॉन दिया हमने, सैम, मैक, पीटर, राइट। देखा जाए तो आर्गुमेंट्स है दो, एक ए और एंड सेकेंड वन इज ए आर जी एस, बट उसके आगे एस्ट्रिक लगा है, मीन्स फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू जॉन चली जाएगी ए आर्ग्यूमेंट के पास और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो चली जाती है ए आर जी एस के पास। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो देखिए ए में वैल्यू आ गई जॉन एंड ए आर जी एस में वैल्यू आ जाती है सैम, मैक एंड पीटर। तो डिफॉल्ट जो ए आर जी एस का रिटर्न टाइप होता है वो होता है टपल। तो जो भी हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ टपल यहां पर असाइन हो जाती है एआरजीएस के अंदर। अब यदि हम एक एक करके वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को शो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम एक लूप लगा सकते हैं फॉर एक्स इन एआरजीएस एंड प्रिंट एक्स, तो एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट और यहाँ पर से प्रिंट ए करवा लेते हैं, तो सबसे पहले ए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन उसके बाद जो भी ए आर जी एस में मल्टीपल वैल्यूज आती है वो प्रिंट हो जाती है। तो हम इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने कहा टीम मेंबर, तो मेंबर वन, अब ये स्टार्ट होने चाहिए मेंबर टू से, आई डिफॉल्ट में इनिशियलाइज करते हैं टू से क्योंकि मेंबर अब टू से स्टार्ट करने हैं, और आई प्लस इक्वल्स टू वन से इंक्रीज करते जाते हैं। ओके वेट अ मिनट, वी मिस्ड कॉमा हियर, कॉमा और कॉन्केट करने के लिए हम प्लस का यूज कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू है तो। ओके वन डिफरेंट थिंग, कॉलम भी लगा देते हैं साथ में, तो मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री, मेंबर फोर। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर कर यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज शो नेम, फंक्शन हमने बनाया और मल्टीपल वैल्यूज ले ली। अब चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं कुछ इस तरीके से। इफ हमने एक फंक्शन क्रिएट करा सम के नाम से, ऑब्वियसली सम डबल एम दे देते हैं हम क्योंकि सम नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन होगा। तो एस्ट्रिक ए आर जी एस, अब ए आर जी एस को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया वी एल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी वैल्यूज उसमें आनी है। हम कहते हैं कि ए को असाइन कर लेते हैं ए के अंदर, या फिर आर ई एस इक्वल्स टू ए को असाइन कर लिया, हमने एक आर ई एस ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर एक फॉर ए एक्स इन वैल, एक एक करके वैल्यू इटरेट करेंगे और करते जाएंगे आर ई एस प्लस इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, और एट लास्ट जो भी रिजल्ट आता है वो आ जाता है आर ई एस के अंदर। तो मीन्स इस फंक्शन का बेनिफिट ये है कि यूजर कैन इनपुट मल्टीपल वैल्यूज विथ कॉमा सेपरेटेड, जितनी भी वैल्यू वो देना चाहे वो दे सकता है, उन सभी वैल्यूज का उसको एट लास्ट सम मिल जाएगा। तो सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज इज 143, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, अच्छा वैल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक कन्वेंशन है कि आप ए आर जी एस यूज करिए ताकि वो देखने में सबको सिमिलर लगे,
हर कोई देख के समझ जाए। एक्चुअल में आप भी जब लेटर ऑन प्रोग्राम को देखे और आपने ARGs लिखा, मतलब आपको पता है कि आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल वैल्यू ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो सकती है, लिस्ट हो सकती है या टपल हो सकती है, राइट। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट पास कर दें और कुछ ऐसा हो ये कि यहाँ पर हमने एक NU नाम से एक लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर वैल्यू है और यहाँ पर NU को पास कर दें, तो ARGs के अंदर जनरली क्या जा रहा होगा, NU की वैल्यू जा रही है, राइट। अब NU एक लिस्ट है और ARGs अपने आप में एक टपल लेता है, तो यदि हम प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड लिस्ट, राइट, क्योंकि RES एक इंट है और हम एक एक्स में क्या आ रही होगी, एक लिस्ट आ रही होगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट ARGs कर देख सकते हैं हम यहाँ पर अभी, तो हमें एरर के पहले एक वैल्यू मिल जाएगी, ये रही। तो क्या मिल रहा है हमें ARGs के अंदर, एक टपल के अंदर एक लिस्ट। तो जनरली यहाँ पर जो फैच हो रहा हो एक्स के अंदर, एक्स में हमें फैच होकर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है फिर एक लिस्ट, हमें यहाँ पर एक और लूप लगाना फॉर वाई इन किसके अंदर, एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स में क्या मिल रही है, एक लिस्ट मिल रही है। अब लिस्ट से एक एक वैल्यू को फैच करेंगे, देन उसको हम ऐड करेंगे, तब हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। तो सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज 143। तो आप देखिए, यदि आप कभी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे रहे हो तो यू कैन इटरेट डायरेक्टली, बट अगर आप टपल या लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू दे रहे हो तो आपको दो लूप यूज करने पड़ेंगे एक एक वैल्यू को इटरेट करने के लिए, राइट। अब सेम यदि हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे डी एफ शो डिटेल्स के नाम से, हमने एक वैल्यू ली ए कॉमा, यहाँ पर यूज़ करते हैं के डब्ल्यू ए आर जी एस, ऑब्वियसली के डब्ल्यू ए आर जी एस ऑल्सो अ कन्वेंशन, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहे ए को और प्रिंट करना चाहे के डब्ल्यू ए आर जी एस को, तो हम जो वैल्यू पास करेंगे अब वो देखते हैं। हमने शो डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल किया, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पास करी, उसके बाद हम मल्टीपल फॉर्म्स में वैल्यू पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक नेम इक्वल्स टू हम कहते हैं कि जॉन है कॉमा एज इक्वल्स टू 24 है, राइट, बस इतना ही पास करते हैं। अभी प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में हमें वैल्यू दे, ए की वैल्यू स्टोर, ए में वैल्यू स्टोर हो जाती है भोपाल, और के डब्ल्यू ए आर जी एस में वैल्यू स्टोर हो जाती है नेम एंड एज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो की वैल्यू में जब भी आप इस तरीके से वैल्यू पास करना चाहें, एंड एन नंबर ऑफ वैल्यू हमें फंक्शन में जब भी हमें की एंड वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू पास करनी हो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, तो हम एस डबल एस्ट्रिक के डब्ल्यू ए आर जी एस का यूज करते हैं। उसके बाद हमें पता है कि किसी भी डिक्शनरी को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो के डब्ल्यू args dot items। अब यदि हम प्रिंट कराना चाहे कि की कॉमा इक्वल्स टू कॉमा वैल, तो ये एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट कर कर हमें दे देगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज फॉर ऑल टुडे, हमने आज देखा कि फंक्शन किस तरीके से, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है, कितने तरीके फंक्शन अवेलेबल है, बिल्ट इन फंक्शन कितने हैं, फंक्शन क्रिएट किस तरीके से किया जा सकता है, फंक्शन को टू कॉल अ फंक्शन, फंक्शन पाइथन में किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, वाया फंक्शन नेम हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर फंक्शन को कितने तरीकों से कॉल किया जा सकता है, देन उसके बाद हमने देखा इसका एग्जांपल। सो थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम लैम्डा फंक्शन के बारे में कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सो हैप्पी कोडिंग।